ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो सारा का सारा कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस गुण को उन्होंने क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर धूमकेतु हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण को किसे इंडिकेट किया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल जी से, और गुरुत्वीय त्वरण का जो व्यंजक होता है वो कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर जी जो है आपका, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी मिलेगा, जिसको जिसका जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। क्या है वैल्यू, आगे हम लोग देखेंगे। एम हो गया आपका मास, मास बोले तो द्रव्यमान, और आर हो गया रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या। अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी के सापेक्ष जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक की बात करेंगे तो जी तो सबके लिए बराबर होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो का सबके लिए बराबर होगा। यहाँ पर एम हो गया किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आपका आर। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या जी एम इंटू आर इनवर्स भी हो सकता है, इनवर्स टू। चलिए अगला देखते हैं गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने ऐसा यूनिट इसलिए लिया क्योंकि यह त्वरण है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बाय द वे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में अगर गुरुत्व त्वरण के बारे में कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर भी आप वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ही लीजिएगा, तब तक जब तक कि क्वेश्चन में यह ना कहा जाए कि गुरुत्व त्वरण आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है, स्क्वायर ले रही है। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्व त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, लेकिन सार्वत्रिक नियम का जो वैल्यू है वह किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, जिन्होंने हाइड्रोजन का खोज करा था। चलिए अगला देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कह रहा है। ठीक है, नियतांक क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने पहले ही कहा दुनिया में जितने भी कण हैं वह सारे के सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कम से कम दो कण तो जरूर होंगे। मान लीजिए कि एक कण आपका ये है, ठीक है, और एक कण ये है, जिसका मास हो गया आपका M1 और M2। ठीक है, और क्या कह रहा है, इसके बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, ये जो कण है इनके बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, मान लीजिए आर। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग व्यंजक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा कि द्रव्यमान के गुणनफल यानी M1 इंटू M2, ठीक है, समान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी आर के वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये आता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी यहाँ पर स्थिरांक का वैल्यू आ गया। तो अगर आपसे व्यंजक पूछता है तो आप ये व्यंजक याद रखोगे, व्यंजक याद रखोगे तो आप आराम से परिभाषा को लिख सकते हो। ठीक है, क्या कहेगा कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का नियम। 10वां प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है, लेकिन कौन सा, स्मॉल जी से, कैपिटल जी से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को सूचित किया जाता है, स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण को सूचित किया जाता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे सूचित किया जाता है, जी से, मैंने तुरंत बताया। अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और वैल्यू पूछ लिया तो 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11। जी का मान सबसे पहले किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से न जाने कितनी बार बोल दिया है कि जी का वैल्यू जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यह वैल्यू किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का खोज करा था, किसका, हाइड्रोजन का खोज करा था। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन जो होता है हाइड्रोजन का ही होता है, और इसी हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है सूर्य से। चलिए अगला देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, यह भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 × 10⁴ केजी। ठीक है, देखिए इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पावर है, इसलिए मैंने सिर्फ पावर बोला। 6 × 10⁴
केजी। ओके, रेडियस की अगर बात करेगा तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है 6371 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना एंगल बनाती है, कितना डिग्री झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री क्या होता है, अपने अक्ष पर झुकी होती है। अगला है, जी का मान कहाँ अधिक होता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का अगर ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री लाइन, जिसको इक्वेटर कह ले, भूमध्य रेखा कह ले, विषुवत रेखा कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसका, ठीक है। ये आपका आता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये आता है आपका साउथ पोल, ठीक है। यानी इक्वेटर से, इक्वेटर से ऊपर बढ़ने पर जितनी भी डिस्टेंस आप जाएंगे, उस डिस्टेंस को आप नॉर्थ पोल से इंडिकेट करेंगे, और नीचे आएंगे तो साउथ पोल से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा, तो ये जो आपका भूमध्य रेखा है, इस पर जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। इस भूमध्य रेखा पर आप कहीं भी जाएंगे तो जी का जो वैल्यू होगा सबसे कम देखने को मिलेगा, नेगेटिव नहीं, एकदम न्यूनतम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाइए चाहे साउथ की तरफ जाइए, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाइएगा, वैसे वैसे जी का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है, तो या तो भूमध्य रेखा कह लीजिए, विषुवत रेखा कह लीजिए, पृथ्वी के केंद्र कह लीजिए, इक्वेटर कह लीजिए, 0 डिग्री लाइन कह लीजिए, ठीक है, यहीं पर क्या होगा, जी का वैल्यू सबसे कम होता है।